सो वी अ प्रिंसिपल कि खलीफा कौन होना चाहिए खलीफा को कब तक हमने वे करने है और ख़लीफा ये जो भी हमारा लीडर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो कब तक जो है सही काम कर सकता है सेकेंड एक एलिमेंट खलीफा के अलावा जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो इसके अंदर शूरा का कॉन्सेप्ट है शूरा का कॉन्सेप्ट इसको बहुत क्लोज ले जाता है विद वेस्टर्न डेमोक्रेसी वेस्टर्न फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है जो गवर्नमेंट है इस्लामिक स्टेट एक कंसल्टेटिव हमारे डिफरेंसेस भी हैं डेमोक्रेसी के साथ और हमारे जो है काफ़ी चीजें कॉमन भी हैं उनके साथ हम ये देखते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को कहा गया है कि आप सल्लम के मतलब दो आयात का मैं जिक्र करूंगा वह अमर इसका क्या मतलब है? कि अपने जो हैं, जो काम है वो आपस में या बातचीत के जरिए हल करते हैं यानी कि मशवरे के जरिए हल करते हैं मैटर और उनसे

थर्ड अथॉरिटेटिव सोर्स है दैट इज हैजमा ये कंसेंस यानी कि लेजिस्लेशन के लिए भी जो हमारी स्टेट क्या करती है पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी है हमारे पास आ, सोर्स है एक लेजिस्लेशन का सोर्स है इजमा तो इजमा क्या होता है अलबत् कंसेंस जो होता है ये किसी भी बंदों का नहीं हो सकता है. कल छठे मुल्क पे हमला करते हैं तो वो कंसेंस डिस so करना है वो लिमिट्स के अंदर कुरना सुनना की करना होगा जो आप लोगों ने कंसल्टेशन करनी है दैट शुड बी बिटवीन द पीपल जो कि कंसल्टे करने की अहलीय रखते हैं मैं आपको कुछ एक मशरों की मिसाल देता हूँ आप के दौर में हजरत सलमान फारसी से मशवरा लिया गया हजर सलमान फारसी ने यह मशवरा दिया कि जंगे एसाब के अंदर कि आप शहर के गिर जो है खंदक खोलते दें डिच खोल दें या अंग्रेजी में उसको मूड कहते हैं जो कि एक डिफेक्र होता है जब बाहर से फौजें आ रही हैं हमला करते दे एक तो वेरी मच ट्रू इन इस्लाम और सहाबा के दौर में भी कंसल्टेशन का प्रोसेस होता रहे यहाँ पे एक और एलिमेंट जो आता है कंसल्टेशन या मशवरा कब करें होंगे जब उनको बोलने की इजाजत हो मॉडर्न जमाने के अंदर एक हम अक्सर एक सुनते हैं इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ जब तक ये किसी माशरे में मौजूद नहीं होगी आप कंसल्टेशन नहीं कर सकेंगे सो so, हकूमत के लिहाज से एंगल से देखा जाए तो उन्हें कंसल्टेशन करना इस्लाम ने उनके लिए कहा uh, अगर आप कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो इस्लामिक जो स्टेट है वो डिक्टेटरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जो खिलाफत खुल, राशि है वो लेटर जो अब्बासी हैं उनकी खिलाफत के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एक मनार्की के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी सोच आप में अगर हम लोग देखें तो आवाम के लिए ये चीज क्या होगी आवाम के एंगल्स के साथ अगर इसको देखें तो फ्रीडम स्पीच का जिक्र हो रहा है फ्रीडम स्पीच उनके पास होनी चाहिए सो so, वॉटल्टन uh, के शूरा के एलिमेंट को हमने देखा कंसल्टे सूरत इस्लामिक स्टेट को डेमोक्रेटिक बनाती है उसकी बजाय uh, आप देखेंगे कि इस्लाम कहते हैं एवरी वन इज बोर्न इक्वल सूरत जहात कहते हैं

वो तुम्हें से वो है जो तकवा में तुमसे बेहतर है so, इस्लाम में जो इक्वालिटी है तमाम लोग बोल निकल होते हैं सेकंडली इस्लाम में इज़्ज़त दी जाती है हर बंदे को इज्जत दी जाती है वलकत करम ना बनी आदमा हजरत आदम की औलाद को हजरत आदम आपको पता है ना ही सबके बाप है सो so, उनके लिए क्या है वलकत करम ना करम देना मुकरम बखना इज्जत बख्शना किसको इंसानों को इज्जत दी जा रही है वलकत करम न बनी आदमा यानी कि तमाम इंसानों को इज्जत दी गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ सो Uh, आपको एक मैं इंसीडेंट बताऊँ तो उसको कदर यद का इंसिडेंट कहते हैं कदर काटने कोई यद हाथ को uh, जो हज़र फातिमा का इंसिडेंट है हज़रत फातिमा उम्म की बेटी थी और uh, हजरत फातिमा के मतलब के एक दफ़ा लोग सिफारिश लेके आए um, आपके पास के पास की कोई एक और औरत थी कुरैश की फातिमा उसने चोरी की थी तो ने इक्वाली बिफोर लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता था वट इज़ इट श्योर यू दट की इस्लामिक लॉ ऑफ द स्टेट है डेट इज़ इक्वल फॉर द uh, क्या कहते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट इवन द फर्स्ट फैमिली और द कॉमन पीपल और मजीद उसमें कहा जाता है कि तुमसे पहले वाली कॉमें इस वजह से हल्क हुई कि जब उनमें से कोई बड़ा चोरी करता था उसे छोड़ देते और जब कोई छोटा चोरी करते थे तो उसको सदा देते आप जो शाहजेब इंसिडेंट है उनको देख सकते हैं जो कि कराची में कुछ ऐसा पहले हुआ था आई डों द डिटेल वो उनके मतलब शायद हमें ज्यादा अच्छे तरीके से आगा कर सके बट इस वर इज बट आई हर्ड कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े हैं उनके लिए डिफरेंट कानून शायद इस्तेमाल होता है और जो बाकी लोग हैं उनके लिए जो है हम शायद कह सकते हैं डिफरेंट थोड़ा सा कानून सो so, शूरा का हमने देखा कि शूरा किस तरीके से काम करती है शूरा क्या जो आपकी पार्लियामेंट का, का काम करती है लेजिस्लेशन का हमने देखा कंसेंसस का हमने कुछ उसको रिलेट करने की कोशिश की क्या शूरा जो है वो क्या इलेक्शन का, का काम भी कर सकती है इलेक्टिव प्रोसेस भी कर सकती है तो मैं एक पॉइंट वहां पे पहले वाले भूल गया था जब हम खिलाफत को डिस्कस कर रहे थे तो आप लोगों की कुछ ऐसा पहले दो तीन साल पहले एक क्वेश्चन आया था एक एक एज खलीफा क्या इलेक्टिव प्रोसेस क्या होता है कि उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है आई well, वुड would... कहते हैं ना एक देना चाहूंगा वो डिस्कलेमर यह है कि मैं किसी खास जो स्कूल ऑफ थाट है उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा इस्लामिक हिस्ट्री का कोई वर्जन जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा इट इज़ जस्ट समथिंग जो एज मेन स्ट्रीम किताबों में लिखी हुई है या फिर जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन है जिसको बिलीव करती है हम तो उसकी बात कर सकते हैं आ, अगर हम जो चारों खुलफा राशिदीन का प्रोसेस देखें उनका एनालिसिस करें तो कम टू नो एना कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है यानी कि अगर चार खलीफा जो थे पुराने मुसलमानों के सबसे पहले चार डिफरेंट तरीक़ों से इलेक्ट हुए तो वट इज डेट शो डेट शो यू कि कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं दिया हुआ इसका मतलब है कि मुस्लिम्स आर फ्री टू मेक देयर ओन प्रोसीजर बाई फॉलोइंग दो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स जो कि उनकी खिलाफत के अंदर जो है इस्तेमाल हुए थे अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो जो खलीफा थे हमारे पास वो थे हजरत अबू बकर हज़रत बकर कितना खलीफा बने थे आपकी की रलत के बाद उनकी डेथ के बाद एक बनी सायदा जगह थी उसके अंदर अनसार चले गए थे आप के दौर के अंदर दो मेन ग्ररोह थे मुसलमानों के एक अनसार थे और एक क्रैश थे महाजरीन थे महाजरीन वो वाले लोग थे जो कि के

Uh, कितनी पार्टीज होंगी ये हमने देखा ऐसी कोई बात नहीं देखी एक एक्सीडेंटल नेचर ऑफ है जो कि हम देखते हैं कि पहले खलीफा के जो सेकंड खलीफा है उनका जो प्रोसीजर है वो नॉमिनेटिव खिलाफत का प्रोसीजर है लेकिन उसके अंदर भी नॉमिनेटिव नेचर में हजरत अब्बकर नॉमिनेट करते हैं बिफोर इज डेथ ऑफ हजरत उमर फारूक और हजरत उमर फारूक को नॉमिनेट करते हुए कहते हैं कि ही इज द बेस्ट अमंग यू ठीक है और वो दूसरी एक और बात करते हैं कि ही इज नॉट माई फैमिली मेम्बर वो बेहतरीन शख्स हैं और दूसरा वो ये जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि मैं उनको इस समझते चूज़ नहीं करा कि वो मेरे खानदानी रिश्तेदार हैं या मेरे बहुत करीब हैं सो so, हमने क्या देखा कि एक आ, पहले एक्सीडेंटल नेचर ऑफ़ कैलिफेट है अब बाद में उस एक्सीडेंटल नेचर ऑफ कैलीफेट का भी हम देख लेते हैं कि बाद में बकर सदीक जब आ, खलीफा बने तो बाद में तमाम लोगों ने उनकी जो है जाके बैत करना शुरू की विद अ फ्यू एब्सटेंशन यू कैन से एब्सटेंशन का मतलब है जिन लोगों ने बैत नहीं दी वीर नॉट गोइंग इन द हिस्टोरिकल डिटेल्स हम सिर्फ जो क्वेश्चन आया उसकी नीयत से पढ़ रहे हैं सेकेंड बस बस नॉमिनेटिव हमने देखा कि नॉमिनेटिव के लिए भी क्या कहा जा रहा है कि आपने किसी को ऐसे बंदे को खलीफा नहीं चूज़ करना जो कि आपकी कोई अल्टीरियर मोटिव हो थर्ड वन इज़ कंसल्ट आई वुड से एक जिस तरह हमारी पार्लियामेंट चूज़ करती है हम पार्लियामेंट में क्या करते हैं हम पार्लियामेंट में जो इन डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर कि हम पहले uh, अपने पब्लिक रिप्रजेंटेटिवस को इकट्ठा करते हैं हमारे जो पब्लिक रिप्रजेंटेटिवस होते हैं आ, उनको अलग करने के बाद वो मजीद इलेक्शन एक लड़ते हैं वो इलेक्शन किसके लिए होता है प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए होता है इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो छः लोगों की कमेटी बनाई गई उमर फारूक के दौर के अंदर जिसके अंदर हज़रत अली शामिल थे हज़रत उस्मान शामिल थे हज़रत अब्दुलरहमान बिन नौफ शामिल थे हज़रत तला शामिल थे हज़रत जुबैर शामिल थे एंड आई मे बी फॉर गेटिंग छः लोगों की कमेटी बनाई गई सो so, ये देख सकते हैं कि क्लोजेस्ट टू वट वी सी इन आर डेली लाइफ कि कुछ लोग मिलकर एक कैलफ को नहकर चूज कर रहे हैं आफ्टर द शहादत ऑफ ऑफ इज ान मार्टरतमान इज़ एन अनारकी इन द द स्टेट ऑफ मदीना रेबल्स दे आर रोमिंग फ्री नो सेंट्रल अथॉरिटी एट टाइम वहाँ लाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है खलीफा बन जाए हजरत अली कहते हैं कि खिलाफत एक ऐसी चीज़ है कि जो खुफिया नहीं हो सकती

और आप जो है उसको चूज़ करें सो so, अगर अगर मुझे थोड़ी सी आप पैरल ड्रा करते हैं देर नॉट एग्जैक्टली द सेम बट पैरल्स में अगर देखें तो अगर थर्ड खिलाफत वॉज लाइक अ पार्लियामेंट्री सॉर्ट ऑफ आर सिस्टम जिसके अंदर एक बैथ हो रही है थ्रू सर्टन पीपल जो कई खलीफों को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अब देखें कि प्रोसीजर कितना डिफरेंट है हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहले तमाम लोग वोट डालते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव किस को चूज़ करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कमेटी है जो बड़े लोगों की इलेक्टेड कमेटी है वो क्या करती है सॉरी uh, uh, तो खलीफा ने बनाया था वो चूज करेगी एक खलीफा, को, और खलीफा की बात में क्या होगा आम आवाम जो है, उस, उसको so, ये है जिसका हम uh, सोच सकते हैं या कह सकते हैं जो उधर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हैं हजरत अली की जो खिलाफत है उसको देखते हैं तो जिसका मुझे महसूस होता है मुस्लिम इन जनरल सो so, हम उसको कहेंगे कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्लोजर सिस्टम में आ जाएगा जब लोगों की बैग से हजरत अली को जो है चूज किया जा रहा है तो हमने ये देखा कि ये चार है लेकिन इनमें हमें पता लगता है कि कोई भी फिक्स तरीके का नहीं है like एक ही प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन जो था वो चारों दफा फॉलो किया गया जो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ वो इससे निकालता हूँ कि हमारी खिलाफत क्या नहीं हो सकती बाकी इट इज ओपन टू द मुस्लिम्स कि हम किस तरह खलीफा को चूज़ करते हैं यानी कि हम इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट uh, करना चाहते हैं या हम इनमें से कोई कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन हम चल प्रिंसि देखने की कोशिश करनी है जब जिस तरीके से हजरत उमर कह रहे हैं कि हजरत बकर सदीक जब नॉमिनेट कर रहे हैं हजरत उमर को वो कहते हैं कि ही इज़ नॉट क्लोज टू बी इट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ माई फैमिली और माई फिनिटी टू हिम दट आई एम मेकिंग हिम ही इज़ द बेस्ट मंक्स यू उस्मान के लिए जिस तरीके से लीडिंग मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स थे जिस तरह शायद आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है हजरत अली के दौर से देखें तो हमें देखेंगे कि जब जनरल मुस्लिम की पॉपुलेशन हो सकती है जिस तरह वोटिंग प्रोसीजर जिसको हम कह सकते हैं वो हो सकता है हजरत अली के दौर से हमें एक और प्रोसीजर पता लगता है कि आपके खिलाफत जो है खुफिया अंदाज़ में नहीं हो सकती यानी कि जो आ, प्रोसीजर है लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है प्रोसीजर के अंदर आपने देखा कि पोलिटिकल पार्टीज है सच नहीं उस दौर के अंदर ये नहीं होता था कि लोग अपने आप को पोलिटिकली नॉमिनेट करते थे और नॉमिनेट करने के बाद जो है कोई खलीफा जो है चूज़ होता था सो uh, so, वो नॉमिनेशन वगैरह का जो प्रोसीजर है वो हम नहीं देख सकते कि कोई उस दौर में था हमारे पास इतना सो so, uh, हमने ये चीज़ देखी कि, कि किस तरीके से uh, uh, हमारी इलेक्शन जो है खिलाफत का होता है so, सो हमने दो एलिमेंट्स पढ़ लिए। वो क्या खलीफा कौन है खलीफा के पढ़ने के बाद हमने देखा कि शूरा ये कंसल्टेशन का एलिमेंट क्या है हमने बीच में इन दोनों का एक, एक एक चीज़ हाइब्रिड सब पढ़ा हमने वो था हमारे पास खिलाफत को चूज़ कैसे करते हैं और उसको पढ़ने की रीज़न ये थी कि देव आस्ट ऑफ क्वेश्चन सो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ हम आगे चलते हैं अभी इसके ऊपर अब वो है कि खिलाफत पढ़ ली हमने तो इस्लामिक स्टेट का एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है या नहीं कोई मकसद है या नहीं उसका अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन थ्योरी ठीक है टू नेशन थ्योरी है यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलीदा स्टेट होनी चाहिए और जो नॉन मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए अगर अभी आजकल पेस्टीनियन क्राइसिस भी आया हुआ तो इट्स कॉल्ड टू स्टेट सॉल्यूशन लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन भी इज एक्चुअली और एक्सटेंशन ऑफ टू नेशन थ्योरी टू नेशन थ्योरी क्या कहलाती थी कि दो मुसलमान और नॉन मुस्लिम एक ही जगह पे रहते हुए इकट्ठे नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ दिय रिलीजियस डिफरेंसेस तो हमने क्या करना है उनके लिए दो अलहदा स्टेट्स बनाने अगर पेलस्टीन सॉल्यूशन को देखें तो ये तो टू नेशन थ्योरी की मंडिकेशन है और उसकी उसको क्लियर करती है कि वो बात किस तरह सही थी कि वहाँ पे भी टू स्टेट्स बनाए जा रही है यानी कि दो मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत फ़लस्तिन की और जो ज्यूज़ हैं या इसराइल हैं उनके लिए एक अलहदा रियासत किस चीज़ की हमारे पास बनेगी इसराइल की रियासत अगर साइप्रस के मसले को देख लें तो हम ये देख सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी तो आज भी है सो तो एक अब हमने मुसलमानों की रियासत बना ली उसका मकसद क्या जो एंड है वो इनइट सेल्फ है ठीक है स्टेट इन इट से एंड बट अ मीन्स वन अब यानी कि हमारा स्टेट बनाने का मकसद सिर्फ स्टेट को हासिल करना नहीं है स्टेट को हमारे पास बनाने का जो मेन मकसद है वो है कि स्टेट हमारी कोई कुछ खास काम करेगी सो हमने देखा कि वो काम कौन से है। पहला एक मैं आपको एक आयत बताता हूं जो पर्पज ऑफ द स्टेट है हमारी वो होगा कि अल्लाजीना मकन्ना फिल अकाम चार काम करती है स्टेट अलहज सूर्य अलहज की आयत नंबर इकतालीस है के एन दो गिव देम अथॉरिटी इन द लैंड कि अगर हम उनको जमीन पे इख्तियार बख्शेंगे यानी कि उनको हकूमत देंगे जमीन के अंदर हम तो वो क्या काम करेंगे चार काम करेंगे इस्टबलिश प्रेयर नंबर वन नंबर टू गिव जक़ात यानी कि जक़त देंगे फिजिकल सिस्टम अपना वो डेवलप करेंगे एनजॉइन वट इज़ राइट एंड फॉरबिड वट इज़ रॉन्ग यानी कि स्टेट के पास ये इख्तियार है अमर बिलमारूफ़ व नहीं मुनकर के सही कामों की तरफ राागिब करेगी आपको उनकी तरफ बुलाएगी और जो बुरे काम है उनसे आपको रोकने की कोशिश करेगी तो चार कामों दोबारा से रिपीट करता हूँ एक ज्त अदा करना एक नमाज पढ़ना नमाज को कायम कराना तीसरा अमर मारूफ या सही कामों की तरफ रागब करना और व नहीं नुनकर बुरे कामों से रोकना सर so, ये हमारे पास एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की तरफ लेके जाए हैं अब हम देखेंगे क्या हमारी जो जब मैं आपको डिफरेंट सिस्टम्स के साथ थोड़ा थोड़ा फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं इस्लामिक स्टेट जो है वो डिफरेंट तो नहीं है सेकुलर स्टेट के साथ जी बिल्कुल है सेकुलर स्टेट का जो इस्लामिक स्टेट का पर्पस है जक़ात का और प्रेयर का वो बड़े रिलीजस नेचर के हैं तो सेकुलर स्टेट तो हमारे पास एक लादीन इथियस रियासत होती है उसका तो कोई रिलीजन ही नहीं होता अगर रिलीजन ही नहीं होता तो वो तो कोई रिलीज चीज़ें और सिस्टम को इम्पोज ही नहीं कर सकती देर कम्स अ डिफरेंस जो कि एक एक अमूमन जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखा जाता है वो हम किस तरह की देखते हैं सेकुलर स्टेट की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे एक वॉल होनी चाहिए और सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट चर्च से हमारे पास यहाँ पे मुराद है मज़हब और आ, स्टेट से मुराद हमारे पास सियासत है यानी कि सियासत और मज़हब के अंदर एक एक आ, वॉल है और वो दोनों अलग अलग है चीजें आपस में मिलते नहीं है लेकिन हम देखेंगे इज़ नो वॉल परफेक्टली ठीक है हमारे ख्याल में जो हमारी इंटरप्रटेशन है कि एक इस्लामिक रियासत जो होती है वो उसके बगैर अभी भी आप मौजूदा हुकूमत के देखेंगे तो रियासत मदीना की बात करते हैं यानी कि स्टेट मदीना रिलीजन उन दोनों को इंटर कर दी है उनके बकौल आप एक अच्छी रियासत वजूद में नहीं ला सकते जब तक उसके अंदर मज़हब का आंसर uh, शामिल ना हो या एलिमेंट ना हो और इसी तरीके से आप मज़हब को भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो वजह थी इस पाकिस्तान बनाने की जो कायदाज फरमाते हैं लेबार्ट्री बनाने की क्या आप मजहब को भी रियासत के बगैर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और रियासत भी आपकी कामयाब नहीं हो सकती मज़हब के बगैर ये हमने देखा जो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट का जो है हमारे पास आ, आ, मकसद था सो पर्पज़ ऑफ द स्टेट क्या इस्लामिक स्टेट का पर्पज ऑफ़ द स्टेट क्या स्टेट में हमने एक चीज़ तो पढ़ चुके मैं आपको एक और आय रिकमेंड करूँगा uh, ये हैं two, one, forty, three, मेरा ख्याल है मैं आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर दूँगा लेकिन हम आगे चलते हैं पर्पज़ ऑफ द स्टेट क्या है मजीद हम देखते हैं एंड वी इन वी हैव मेड यू अ जस्ट कम्युनिटी हमने आपको जस्ट एक इंसाफ वाली कम्युनिटी बनाई डेट यू विल बी विटनेस ओवर द पीपल एंड द मैसेंजर विल बी विटनेस ओवर यू यानी कि इस्लामी रियासत के अंदर जो मुस्लिम हैं वो बाकी दुनिया के लिए एक विटनेस है एक गवाह की हैसियत है रखते हैं यानी कि हमारी उम्मत एज अ गवाह इस्तेमाल हो रही है बाकी दुनिया की उम्मतों के लिए और हमारी उम्मत के ऊपर कौन गवाही देगा कि हमने आया कि सही काम किया या नहीं किया वो होली हली प्रॉसलम करेंगे एक और है पब्स ऑफ द स्टेट कहते अंदर देखिए यू यू आर द बेस्ट नेशन मुसलमानों को क्या कहते हैं बेहतरीन फॉर मैन काइंड यू एन्जॉय वट इज़ राइट एंड फॉर बेट वट इज़ रॉन्ग एंड बिलीव इन अल्लाह तीन चीज़ों की वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमान बेस्ट उमैन एक

रोहि रेगा हजरत अली का जो कॉल है कि तुम में से पहले कि तुम कोई कौम जो इस्लाम के बगैर जो है चल सकती है लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती अगर हम इंसाफ को नहीं अपनाएंगे जो अल्लाह ताला के प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं अपनाएंगे तो हमारे स्टेट्स पीछे रह जाएंगे सो तो ये हमने देखा कि कुछ पर्पज ऑफ द स्टेट है अब हम देखते हैं कि इस्लामिक की जो हम कानून की बात कर रहे थे कानून है वो रियासत को फॉलो नहीं करेंगे तो यू आर इन टू क्लियर एरर और अगर आप फॉलो करेंगे तो मुसलमानों के लिए क्या था कि दो ऑप्शन थी फॉलो करेंगे उसके लिए था कि वो सक्सेसफुल है फ्लाप आ जाने वाले मुफल है और उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है वो यकूल समय ना वात आता हमने सुन ली और अताात कर ली सो so, हमने एक तो ये चीज इस्ट की थी कि लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो इसकी बातों को फॉलो करना था आपने तो आप सही होंगे अगर नहीं करेंगे तो आप गलत होंगे ठीक है नहीं तो आप क्लियर एरर के अंदर होंगे वो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल

और उसके रसूल के तहत करो वो और तुम्हें से उनके अत्या करो फ़ोन तनाज तुम, तुम फीशन और किसी शेय में या किसी चीज़ में तुम्हारा झगड़ा हो जाता है उसको अल्लाह और लौटा दो इनको तुम तुम्न बिल्ला बल जाम आखिर अगर तुम लोग ई मान रखते हो अ पर और जाम आखिर के ऊपर बेशको तुम तुम्न बिल्ला बल जामिल आखिर से पहले वाली जो पोशन है वही याद कर ले तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि अतात है यानी कि जो हमारी लीडरशिप है उसको लिजिटमेसी प्रोवाइड करती है यानी कि ये वो वाली आयत है ये वाली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है जो कि आपको पावर ऑफ अथॉरिटी देती है पावर अथॉरिटी देती है कि आप एज अ लीडर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं और लोगों के लिए क्या हो जाता है उनको ओबे करना उनके अतात करना लाजम हो जाता है सो हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गई इसके अंदर जो छह एलिमेंट्स हैं ऐसी आय के मैं वो डिस्कस करता हूँ अंग्रेजी में जिन बच्चों ने पढ़ाई उनके लिए इंग्लिश में रिपीट पहले आद करता हूँ बिलवड अल्लाह एंड यू एंड यू डिसीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डेट दैट इज द बेस्ट वे एंड बेस्ट इन रिजल्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सबसे पहले सुप्रीमेसी है अल्लाह ताला की उसके प्रॉफिट की सेकेंड वर्ल्ड लीडर्स की लेकिन जो वर्ल्ड लीडर्स की ओबीडियंस है वो सब सर्वियट है किसके सब सर्वियंट है कि जो वर्ल्ड लीडर है जब तक वो किसको बे करेंसूल को कर बेकरें थर्ड चीज है कि मुस्लिम लीडर्स कौन से होने चाहिए मुस्लिम लीडर्स को मुस्लिम से होना चाहिए पहले क्योंकि आये आपको बिलीवड और उसके बाद कहती है यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुसलमानों के लीडर सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं कि जो हमारी जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की मुस्तमी ले सकते हैं अगली चीज़ है एंड यू हैव इफ इफ एंड यू ओवर है यानी कि इसका मतलब है कि इस्लामिक स्टेट अलाउ करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल जो सिटीजन है उनके बीच में डिसग्रीमेंट होना ठीक है और अगर आपका डिसग्रीमेंट हो जाता है तो क्या होगा उसको पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर आपके पास तो फिर फाइनल डिसीजन अल्लाह और उसके रसूल को होगा हमारे बीच में यानी कि सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है लट्से के पी एम एल एन की गवर्नमेंट है या पी की गवर्नमेंट है एंड पीपल कम स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन द स्ट्रीट्स उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है ओवर सम लॉ और एनी थिंग उसका फैसला कौन करेगा लॉर्स के रसूल फ़ैसला करेंगे अब यहाँ पर आप कहेंगे सर लाह के रसूल से हम किस तरह फैसला लेंगे जहरी वदन की किताब से उनकी तालीमत से लेकिन वो कौन सा इदारा है जो तलीमत करेगा उनका बताएगा कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए इस्लामिक स्टेट के अंदर जो कि हमें बता सके जो कि इंटरप्रेट कर सके लॉर्स के रसूल ने क्या कहा है तो इदारा जुडिशरी ही हम उसको कह सकते हैं समझा जा सकता है कि एक जुडिशरी हमें बता सकती है कि किसके बीच में झगड़ा हो जाए स्टेट के बीच में सिटीजन के बीच में यहाँ पर अपने एक लॉ देखा है जो कोई भी मॉडर्न सियासत रियासत होती है तो उसके बीच में स्टेट के और सिटीजन के बीच सॉरी गवर्नमेंट और के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत रखता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास वो हमें बताता है कि जो 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 उनके बीच में रिलेशन होगा उसको डील करेगा अब अगर हमारी स्टेट उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करती यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती या हमारी सॉरी स्टेट नहीं गवर्नमेंट अगर हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती डेट वुड गिव पीपल द राइट कि वो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकें या उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकें अब की गवर्नमेंट देख लें मैं एक वैसे एक मिसाल था कि मैं सब लोगों ने हिस्टोरिकल फिगर का नाम सुना हुआ वेल well. तो लोग उसके खिलाफ जा सकते हैं द रीज़न बीन कि वो जो एग्रीमेंट है जिसकी वजह से वो हुकूमत में आता है वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए वो एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्ट्यूशन इस्लामिक स्टेट का क्या कुरान और सुन्ना कुरान और सुन्ना को अगर हमारे लीडर्स फॉलो नहीं करेंगे पीपल एव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के पास भी राइट right है अगर हम लोग कुरान और सुन्ना पर अमल नहीं करते तो हमारे लिए हदूद उनकी सदाएँ हमारे लिए बाकी सदाएँ किस्म की सदाएँ जो कि स्टेट ने इम्प्लीमेंट कराईगी हमारे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए जो सदा है कज़फ़ की आ, जो सदा है चोरी की थप्ट की वो तमाम सदाएँ जो है स्टेट इम्प्लीमेंट कर सकती है क्यों क्योंकि स्टेट और उसके बीच में जो रिश्ता है सिटीजनस के बीच में या गवर्नमेंट और सिटीजनस के बीच में जो रिश्ता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का और इस्लामिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन के कुरान सुनना जब तक कुरुआन सुनना पर अलम होगा आपकी स्टेटअप आप को कुछ नहीं कहेगी लेकिन अगर आप उसके अमल नहीं कर सकते तो वो आपको सेंक्शन कर से, आपको सदा दे सकती है पनिशमेंट या खिलाफ पीनेटिव एक्शन के ऊपर अमल कर सकती है तो इस्लामिक स्टेट हमें राइट्स क्या देती है अच्छा अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं स्टेट की कुछ राइट्स हैं और स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम इसी तरह के इंडिविजुअल्स की कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज हैं स्टेट की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं हम उनको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं स्टेट uh, की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो क्या है स्टेट आपको राइट्स देती है uh, वो क्या क्या राइट -right हैं एक तो कमांड स्ट्रक्चर हमने बता चुके हैं जो पिछली आयत थी अनसा की आयत नंबर फिफ्टी नाइन थी ना उसमें मैंने देखा था कि कमांड स्ट्रक्चर क्या है आ, वो हमने बताया था मैंने आपको अब मैं बाकी जिदें पढ़ता हूँ कि स्टेट की की के कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल प्रिंसिपल्स हैं आपको राइट टू तो प्राइवेसी देती है इस्लामिक स्टेट राइट टू तो रेज वॉइस देती है आ, आपको इन अगेंस्ट इन जस्टिस बेहतरीन जिहाद के लि मुकमरान के सामने कल में हक़ कहना आपको राइट टू फॉर्म ग्रुप्स देती है आपको इक्वल ट्रीटमेंट देती है ऑल सिटीजन को वेदर इस्लाम है नॉन मुस्लिम्स आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देगी आप जो बेसिक नेसेसिटीज हैं आपकी नीड है उनको प्रोवाइड करेगी क्योंकि यही एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है जो एक वेलफेयर स्टेट होती है वो आपको बेसिक नीड जो है वो प्रोवाइड करती है स्टेट जो है जो स्टेट है इस्लामिक स्टेट है वो हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगी करेंगे पढ़े थे इंडिपेंडेंट जुडिशली देगी एक लेजिस्लचर या शुरा का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे उसके अलावा जो एग्जेक्टिव है जो हम तीन हमने पढ़े थे ना जो चीज़ें उनमें से एक्सेटिव जो है वो लिमिटेड होगी हदूद से यानी कि हदूद को इम्प्लीमेंट कराएगी और जो जदूद इज़ वन अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट जो इस इस लेजिस्लेचर है वो शुरू होगी हमारे पास और जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी हमारे पास uh, हमारे पास उसके अलावा जो इनजस्टिस है उसके अगेंस्ट राइट होगा हमारे पास क्या हम कह सकें इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन है बेसिक नेसेसिटीज़ देगी क्योंकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाएगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो स्टेट का काम है पूरा करना उसके अलावा स्टेट का एक और काम भी है हमारे पास वो है आपको एक वेलफेयर स्टेट जो है वो कुछ ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही होती है अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है क्या इस्लामिक पाकिस्तानी स्टेट 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 जो है इस्लामिक स्टेट एक स्टेट होती है इस्लामिक एक वेलफेयर होती लेकिन क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं है आ, इसके मुझे आप लोग भी अपनी खुद राय कायम कर सकते हैं मेरा ख्याल है नहीं आ, जो एक वेलफेयर स्टेट होती है उसके अंदर आपको इकोनॉमिक फ्रीडम होती है इक्वल ट्रीटमेंट होती है आपके साथ इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को परस्यूव करना चाहता है सोशल वेलफेयर होती है हमारे यहाँ के ऑटोमेटिक स्टेट अमल में आएगी अगर कोई शख्स जो है वो ब, एक बेवा औरत है एक एक, एक कुछ यतीम लोग हैं आ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कर्जा नहीं दे सकते क्या उनको स्टेट आके हेल्प करती है आई डोंट थिंक सो कोई माजूर बच्चे हैं किसी के घर के अंदर तो क्या स्टेट उनको आके हेल्प करती है नो इट ड नॉट सच बेतुलमाल से कुछ हो रहा है अभी अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं वेलफेयर स्टेट के लेकिन इट्स नॉट अ परफेक्ट वेलफेयर स्टेट कुछ एलिमेंट्स हैं मैं अगर उनकी बात करूँ तो आ, अभी ये जो कोरोना के ऊपर जो रिलीफ पैकेज आया था पाकिस्तान जो सब्सिडीज़ देता है आर द थिंग्स जो किसी वेलफेयर स्टेट को करनी चाहिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी वेलफेयर स्टेट को ये चंद एक अंक काम है सो so, जिसके अंदर शायद हमारी स्टेट जो है वो फेल होती है ये जो आपके जो डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं ये आपको मिल सकते हैं अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे मौलाना मधुदी की जो राइट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट है आई मे आई मे नॉट है क्लास ऑन जो राइट्स का चैप्टर है आप लोगों का उसके ऊपर अगर हमारी क्लास होगी तो हम बताएंगे कि स्टेट कौन से राइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती है तो हमने देखा कि कुछ स्टेट राइट्स प्रोवाइड करती है तब स्टेट की कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी ये स्टेट की ड्यूटीज हैं जो कि इंडिविजुअल्स के ह्यूमन्स के राइट्स हैं जिनके मतलब हमने डिस्कशन की अब आपकी क्या ड्यूटीज हैं या मैं एज अ सिटीजन क्या ड्यूटी दे रहा हूँ स्टेट के लिए एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटी ये हो सकती है कि जो हम जो कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है आ, उसकी जो ओबीडियंस है वो मैंडेटरी है कि स्टेट अगर हमें कहती है कि आप टैक्स दें तो यू हैव टू गिव यू टैक्सेस ठीक है अगर आपको स्टेट कहती है ड्राफ्टिंग करती है ड्राफ्टिंग का मतलब होता है आपको जन के लिए बुलाती है तो यू हैव टू गो एंड प्रोटेक्ट द स्टेट अगर स्टेट जो है आपको अच्छे हाँ लेकिन स्टेट के साथ आप कॉपरेट कब तक कब, कब तक करेंगे जब तक आप सही काम कर रहे होंगे जब तक आपको स्टे, स्टेट सही काम कहेगी जो उसके अच्छे काम है उसके अंदर आप सपोर्ट करेंगे उसको लेकिन अगर स्टेट आप कुछ गलत काम करने को कहती है तब आप नहीं करेंगे सो उसकी प्रोटेक्शन उसके साथ कॉपरेशन उसकी मैंडेटरी ओबीडियंस और उसके लॉज को फॉलो करना और कोई फितना क्रिएट ना करना इस्लामिक स्टेट के अंदर ये चंद एक ड्यूटीज हैं जो कि इस्लामिक स्टेट के सिटीजन के लिए ड्यूटीज़ हैं सो so हमने देखा कि स्टेट क्या राइट्स क्या प्रोवाइड करती है सेकेंडली हमने देखा कि जो स्टेट है हमारे पास वो राइट्स के अलावा क्या ड्यूटीज़ जो है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करती है लेट्स कम टू डिफरेंसेस जो कि इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की क्या डिफरेंसेस है वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो सॉवरानिटी है वो पार्लियामेंट को बिलोंग करती है पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है यहाँ पे हमारे यहाँ इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच आई बिलीव इज वेरी सिमिलर टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट उसके अंदर कुछ डिफ्रेंस हैं मैं उनको अब डिस्कस करने की कोशिश कर रहा एक सॉवरानिटी बिलोंग्स टू अल्लाह हम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते इज अगेंस्ट तो कुरान लेट मी गिव यू कि कल आप लोग कहते हैं कि अमरीका की मिसाल ले, ले लेते हैं और हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पोर्क का बिजनेस हो सकता है और मुर्गियों की बजाय आप पोर्ट्स पालना शुरू कर दें या वो जो सूअर होता है उसको रखना शुरू कर दें और उसका गोश्त बेचना शुरू कर दें कल आप कहें कि इंटरेस्ट के अंदर कारोबार करना शुरू कर दें कल आप एक और चीज़ कहते हैं कि अमेरिका के अंदर तो कसिनोज हैं और आ, एक गैम्बलिंग इंडस्ट्री है हम क्यों ना गैमलिंग इंडस्ट्री भी अपनी पाकिस्तान में बना दें तो क्या ये काम हमारी स्टेट कर सकती है इनके ऊपर कानून साजी कर सकती है नहीं नहीं कर सकती हमारी स्टेट का मैंडेट लिमिटेड है क्वालिफाइड या लिमिटेड मैंडेट है वो सिर्फ सिर्फ ऐसे लॉज बना सकती है विच आर नॉट अगेंस्ट कुरान कुरानन सुन्ना और जो पहले से डिसाइडेड नहीं है तो उनके ऊपर वो इश्तेद कर सकती है उनके ऊपर नई कानून साजी या लेजिस्लेशन कर सकती है लेकिन जो भी वो लेजिस्लेशन करेगी वो कुरान सुन्ना के अगेंस्ट नहीं हो सकती पार्टी पॉलिटिक्स वेस्टर्न में तो पार्टी पॉलिटिक्स होती हैं जो पुराना इनिशियल सिस्टम था उसके अंदर जो होती है वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती थी अब पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है अमूमन जो आपकी पार्टी है आप उसकी गलत पॉलिसीज को भी सपोर्ट करते हैं और जो उसकी सही पॉलिसीज है आप उसको भी आ, सही पॉलिसी गलत पॉलिसीज़ को भी अपनी पार्टी की सपोर्ट करेंगे और जो दूसरों की सही पॉलिटीज हैं पॉलिसीज हैं उनको भी जो है आप अपोज करेंगे नहीं इस्लामिक स्टेट पर यह नहीं हो सकता आप जो भी कोई सही पॉलिसी है आप उसको सही मानेंगे जो गलत पॉलिसी है उसको गलत मानेंगे आप तब की बुनियाद बुनियादें प्रेजडसिस की बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते सो दिस इज़ वन डिफरेंस लेकिन इनिशियल जो क्लासिकल इस्लामिक गवर्नर का स्ट्रक्चर था उसमें पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी बट इफ यू आज माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट आई एम नॉट अगेंस्ट इट के एस एच ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स हाँ पार्टी पॉलिटिक्स की हमें बाई पार्टीजन होकर सोचना चाहिए हमें हर तरह से देखना चाहिए कि जो चीज़ें सही गवर्नमेंट कर रही है या अपोजिशन कर रही है हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए लेकिन क्या पार्टी पॉलिटिक्स डिसअलाउ कर देनी चाहिए इन माई पर्सनल एंड हम्बल ओपिनियन जो यू के नॉट पोर्ट मी देयर बट आप लोगों की तो अपनी ओपिनियन होगी मैं तो समझता हूँ कि सही है आप कर सकते हैं आप पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए प्रोसीजर ऑफ नॉमिनेशन आ, आपको कंसेंट इलेक्शन के अंदर मिलती है यानी कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जाते हैं तो आप पहले अपने आप को नॉमिनेट करेंगे फिर आप लोगों के ऊपर अपना मैंडेट बताएंगे और लोग आपको इलेक्ट करेंगे जो असल इस्लामिक सिस्टम होता है उसके अंदर स्टेट नॉमिनेट करती है पीपल को यानी कि स्टेट मुझे नॉमिनेट करेगी भाई कि मैं तुम्हें मैं सौदे के लिए गवर्नर बना रहा हूँ ये है वो है और बाद में लोग उसको वोट दे के कहेंगे कि सही है या नहीं अगली चीज है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो नेशन स्टेट के लिए कॉन्सेप्ट है यानी कि एक नेशन स्टेट होगी वो जो है वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी लेकिन जो ट्रूली इस्लामिक स्टेट है वो तो आइडियोलॉजिकल स्टेट है वो उसके लिए तो बाउंड्रीज मैटर नहीं करती कि सिर्फ स्टेट है कि सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए होगा पाकिस्तान तो सिर्फ ये किसी खास एथनिक कम्युनिटी के लिए लॉस तो नहीं हमारे सो हमारा एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है उसके अलावा जो कॉम्युनिज्म है उसका और हम इस्लामिक स्टेट का डिफरेंस देख लेते हैं कम्युनिज्म जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट है इट इज एंटी वो समझती है एक होता है ना कोई बिलीफ नहीं है एंटी रिलीजन हो यानी कि खिलाफ होना कम्युनिस्ट स्टेट तो नेगेट करती है रिलीजन को जो इस्लामिक स्टेट है वो एक्सेप्ट करती है रिलीजन को जो कम्युनिस्ट स्टेट है वो इंडिविजुअलिटी का जो ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है उसको रिप्लेस कर देती है विद अ सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडेरिटी इस्लाम इसका बीच का सिस्टम है इस्लामों को पता है कि इंडिविजुअल की भी हैसियत बहुत अहम है मसलन ज एन इंडिविजुल बट यू कैन डू जो आपके जितने मैंने राइट्स पढ़ा हैं राइट है, टू तो प्राइवेसी जो है वो इंडिविजुअल का राइट है लेकिन आपके स्टेट के पास ये राइट हासिल नहीं है कि वो आपके जाके दरवाजा करा सके आपके फेसबुक प्रोफाइल को देख सके आम हालात ठीक है सो so, हमने देखा कि इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है इस्लाम जो है जिस तरह वेस्टर्न डेमोक्रेसी बात करती है और जो है लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल के राइट्स की बात नहीं करता स्टेट के भी जब स्टेट अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकती है हमने देखा कि कम्युनिस्ट एक डिकटोरियल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था डिकेटोरियल सिस्टम कैसे था कि जो उनकी परजेस थी यानी कि जो बादजेस हैं वो बहुत फे, फेमस हैं लेकिन इस्लामिक जो सिस्टम है वो डिकटेटोरियल सिस्टम नहीं है एक शख्स बकर सदीक का पढ़ाने कहा कि तो जब तक तो मैं सही बात करूँगा आप मुझे खलीफा रखें जब गलत तो बातें करता है और तो मुझे खलीफा ना माने इसी तरीके से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो डिकटेटोरियल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें शूरा का कॉन्सेप्ट इसके अंदर तो कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट है और जो कम्युनिस्ट स्टेट का लास्ट में पॉइंट बताऊंगा वो है अनब्राइडल पावर ऑफ द स्टेट अनब्राइडल का मतलब होता है कि कोई लिमिट नहीं है लिमिटलेस पावर ऑफ़ द स्टेट होती है इस्लाम की जो स्टेट की पावर है वो लिमिटेड है लिमिटेड अकॉर्डिंग टू कुरान और रुन्ना वो बहुत से काम ऐसा नहीं कर सकती जो कि कुरान और रुन्ना के अगेंस्ट अगली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन खिलाफत एंड डिकेटरशिप डिक्टेटरशिप में और खिलाफत में क्या फर्क है हमने सिलेक्शन प्रोसीजर या इलेक्शन प्रोसीजर चेंज हो जाता है जब आपके बाप के बाद बेटा बने या भाई बने या कोई भी बंदा बने और उसको न, इस तरीके से नॉमिनेट किया जाए कि वो आपकी रिश्तेदारी की बेस पे बन रहा है आप पाकिस्तान में देखें एक ज़माने में एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें आपके सबसे बड़े सूबे के जो थे एडमिनिस्ट्रेटर वो आपके भाई थे और जो आपके सबसे फाइनेंस चलाने वाले थे वो आपके समी थे ठीक है एक और पार्टी को हम लोग देख लें तो उसके अंदर पहले नानाबू लीडर थे फिर अम्मी लीडर थी फिर अबू जी लीडर थे और अम्मी जी जो थी वो अपनी आ, लिखे गई थी कागज़ के अंदर के इनके बाद बने कहा कि पार्टी के अंदर बहुत अकलमंद और बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं बट दे डिड नॉट हैव द राइट टू बी द लीडर ऑफ डेट पर्टिकुलर पार्टी मौजूदा पार्टी को आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है दे, दे, पाकिस्तान के अंदर ये जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान के अंदर आप देख लें हिंदुस्तान के अंदर जो गांधी फैमिली है एक्चुअली uh, ये नेहरू की जो फैमिली है डेट इज़ कॉल्ड गांधी फैमिली वो किस तरीके से राजीव गांधी सोनिया गांधी और ये सब के सब आगे चले आ रहे हैं आ, तो हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर के अलावा बांग्लादेश में आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं शी इज़ डॉटर ऑफ द uh, मुजीबर रहमान और रहमान के जो अगले लीडर थे uh, जिन्होंने रहमान का जो मैसेज किया था उनकी पूरी फैमिली का उनकी जो बेटी हैं वो अब और जिसकी सिर्फ पाकिस्तान में ही है इट इज़ दी पॉलिटिक्स ऑफ ऑल ऑफ साउथ एशिया अनफॉर्चुनेटली एंड आई वुड अगेन से इवन एट माई ओन एक्सप्रियस के इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ये तो नहीं होना चाहिए ना दैट इज़ नॉट ट्रू डेमोक्रेसी आपके आवाम को अगर बच्चों को सिलेक्ट तो नहीं करना चाहिए रशीदेट इन थिंक्स वो कहते हैं कि जी जो पहली जनरेशन हैं वो तो फिर भी कुछ ना कुछ ठीक थी जो अगली जनरेशन है दे डू डिस्ट्राई दंट्री लुक एट वॉट इज एपन टू सीरिया ठीक है सीरिया वो सेकेंड जनरेशन लीडर है आप उसको देख लेते हैं लेबिया को देख लेते हैं जीध, जिस जो सेकेंड जनरेशन जे के लीडर पर पहुँच जाते हैं वो मजीद जो है वो इन प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सो वी हैव गो फॉर द ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पे आपके बाप के बाद, बाद बेटे की हुकूमत आ सकती है या बेटे की हुकूमत आ सकती है लेकिन ओनली थ्रू वोटिंग प्रोसीजर ठीक है अमेरिका के अंदर देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में उनकी अपनी पार्टी से एक ऐसे शख्स थे जेफ बुश जो कि कौन थे uh, जेफ बुश थे बेटे थे एक सबका प्रेजिडेंट के और एक भाई थे साहब का प्रेजिडेंट के लेकिन अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन हार जाते हैं अमरीका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे तो उनका मुकाबला किसके साथ था एक आ, फार्मर प्रेजिडेंट की मिसेस के साथ था आ, क्लिंटन साहिबा के साथ था मिसेस क्लिंटन के साथ था अब देख सकते हैं हिलरी क्लिंटन क्लिंटन साहब की बीवी थी तो इससे क्या साबित होता है कि वहाँ पे ट्रूली अगर अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं वेल गोट एन अपलरी गॉड मोर वोट्स तो उसको जीतना चाहिए था लेकिन नॉट नेसेसरिली कि जस्ट बिकॉज यू बिलोंग किस तरीके से गलत हो गया जब डोनाल्ड ट्रम्प अब उनके प्रेजिडेंट बन गए अब हम आगे चलते हैं डिफ्रेंस बिटवीन खिलाफत एंड डेटरशिप के हमने देखा सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हो गया वो मनारकिल सिस्टम में चला गया और रदर दैन जो एलेक्टिव प्रोसीजर था उसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंज हो गए पहले वाले बड़ा सिंपल और सादा लाइफ स्टाइल गुजारते थे बाद में हर्म्स बनना शुरू हो गए और इस तरह का लाइफ हो गया बैतुल माल या जो पब्लिक ट्रेजरी है वो चेंज हो गई फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो गई रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया यानी कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ आम लोगों के लिए था बादशाह और उसकी फैमिली के लिए नहीं होता था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो गई ट्राइबल कॉन्फ्क्ट्स जो अरब के थे वो वापस आ गए और सुपरियरिटी ऑफ द लॉ खत्म हो गई ये चंद एलिमेंट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि जो लेटर कैल्फ्स है देवर नॉट एक्चुअली कैलप्स जो मैर या अबासिस थे बट देर एक्चुअली या इन द वर्ल्डली सेंस रूलर्स थे इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट किस कितना डिफ्रेंस है डेट इज़ द लास्ट थिंग फॉर टुडे रे इथनीसिटी ये कामन रिलीजन होता है जिसकी बेस पर हम लोग कहते हैं इस्लाम तो कहता है कि किसी अरब को नॉन अरब पर और नॉन तो वो डजैट एक्चुअली मीन्स कि इस्लाम इतनी की ये बात नहीं करता एथनिक स्टेट की बात नहीं करता लैंग्वेज की बेस पर देखें तो इस्लाम so, कहता है कि किसी अरबी को अजबी पर अरबी पर अरबी पर फीलत नहीं तो लैंग्वेज की बेस पर भी नहीं होता रिलीजन को हम एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं कलर की बेस पे हमने देखा काले को गोरे गोरे को काले वाली बात हम देख चुके हैं खुद बहुत अविदा के अंदर इकनॉमिक इंटरेस्ट की बेस पे क्या इस्लाम सियासत तश्ल देता नहीं इस्लाम तो किसी और चीज़ की बेस पे सियासत तश्ल देता है तो हमने कहा कि बुनियादी तौर पर इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा डिफरेंट है ये चंद एक एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है स्टेट्स बनाई जाती हैं लेकिन इस्लाम तो उनके अगेंस्ट आते हैं सो हमने ये देखा कि इस्लामिक जो सिस्टम है उसके बुनियादी एलिमेंट्स के हैं आशूरा हो गया खिलाफत हो गया अमर बिलमारूफ़ बनाइनकर हो गया आपकी जो सही चीज़ें उनको फॉलो करना हो गया और नीचे जो गलत चीज़ें फॉलो ना करना हो गया फिर हमने देखे कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ के हैं स्टेट की फिर हमने देखा राइट्स एंड ड्यूटीज़ के हैं सिटीज़न् की उसके अलावा हमने देखा कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उनका कंपैरिजन किया हमने जो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ इसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मौलाना मोदूदी की किताब है खिलाफत मलोकियत खिलाफत मलोकियत के सिर्फ और सिर्फ पहले तीन चैप्टर बाकी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में ना पढ़ें आप वह आप लोग पढ़ सकते हैं तो दोज आर गुड थिंग्स जो कि आपको इस्लामिक पोलटिकल सिस्टम के मतलब या इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के मतलब कुछ राय का आपको बता सकते हैं